जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कोसेंट ग्रुप की बात की थी, कुछ इम्पॉर्टेंट उसके जो थ्योरम्स थे, एप्लीकेशंस थे, उनकी बात की थी। अभी उसमें कुछ हम लोग बचे रह गए हैं कोसेंट ग्रुप पे, तो उसकी थोड़ी हम लोग बात करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा मेरा मन ले रहा है पहले उसे मैं प्रूफ कर लूँ, थोड़ा तब आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप क्या होता है, ये बड़ा कहाँ से निकल के आता है। एक चीज़ से कह सकते हैं कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ द ग्रुप थ्योरी, एक ग्रुप थ्योरी का हार्ट है होमोमॉर्फिज्म। बहरहाल हम लोग उसको डिस्कस करने के पहले कुछ रिजल्ट हम डिस्कस कर देना चाह रहे हैं। तो रिज़ल्ट क्या है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट ये है, रिज़ल्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, इफ़ जी बी ए ग्रुप, इफ़ जी बी ए ग्रुप, ये कोई ग्रुप है, इफ़ जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इंटू क्यू, वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, देन सो दैट ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Z इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, एक बार उसको अगेन हम रिवाइज कर दें। अगर जी हम लोगों के पास कोई ग्रुप है, बी एनी ग्रुप, इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इंटू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, देन सो दैट ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक ग्रुप की बात एक यहाँ और है उस रिजल्ट में, उसको डिस्कस कर दें क्योंकि उसके बिना ये बात मेरी अधूरी हो जाएगी। जी बी ए जो है नॉन अवेलियन ग्रुप है, नॉन अवेलियन ग्रुप। इफ जी बी ए नॉन अवेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इंटू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, देन सो दैट ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू 1। अच्छा, नॉन अवेलियन है, एक तो बात बिल्कुल एक रिजल्ट ही है कि अगर मेरा कोई ग्रुप अवेलियन है, इफ जी इज अवेलियन, अगर अवेलियन ग्रुप है ये, तो सिंपल सी बात है, जो सेंटर ऑफ जी होगा वो जी के इक्वल हो जाएगा। अवेलियन की मीनिंग यही होती है कि ईच एलिमेंट फॉलो कामुटेटिव ला, मतलब एक एलिमेंट, हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ कामुट करते हैं, तो वो मेरा अवेलियन ग्रुप है। नॉन अवेलियन यहाँ कैपिटल लेटर होना चाहिए, और गाइस उम्मीद है कि आप भी कैपिटल ही लिखेंगे क्योंकि अब एबल्स नाम पे बना है अवेलियन, बट आदत हो जाती है लोगों की वो स्मॉल ए लिखने पे, थोड़ी वो गलती नहीं करनी चाहिए, कैपिटल ए लिखना चाहिए, नाम है तो नाम के साथ थोड़ा जो सबका एक संस्कार जुड़ा है वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि नाम गलत लिख देने से बड़ी सारी चीज़ें जो होती हैं थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, किसी का नाम बिगाड़ा नहीं जाता है, अपने अभी एक ट्रेंड रहा है, संस्कार रहा है। बहरहाल चलते हैं हम लोग अपने रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट ये है कि अगर कोई ग्रुप नॉन अवेलियन है और उसका ऑर्डर P इंटू क्यू है, वेयर P एंड Q आर डिस्टिंग प्राइम, तो उसको जो सेंटर में जो एलिमेंट होंगे, ऑर्डर ऑफ जेड जी 1 है, मीनिंग क्या हो गई कि जो सेंटर में जो एलिमेंट होंगे वो 1 एलिमेंट होगा, सिंगल होगा। अच्छा, एक बात यहाँ से और मैं ताबड़तोड़ कर दूँ कि हम लोग जानते हैं कि किसी ग्रुप का जो सेंटर होता है उसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जी के ईच एलिमेंट के साथ कामुटेटिव ला सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ सेंटर ऑफ जो जी है वो 1 है, और ये सेंटर जो होता है वो ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, और इसमें 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट का जो सब ग्रुप बनेगा वो सबको पता आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी मीनिंग है कि सेंटर ऑफ जी में सिंगल जो है केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी, इसके बाद कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। ऑर्डर 1 की मीनिंग मेरी यही है। चलते हैं प्रूफ पे आ जाते हैं। वी नो दैट, पहले हम लिख लें क्या क्या है, क्या क्या जानते हैं। वी नो दैट सेंटर ऑफ जी की महिमा क्या क्या है भाई। सेंटर ऑफ जो जी होता है इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये होता है। अच्छा, एक और बात है कि जो कोसेंट ग्रुप की जो मेरी बात थी कि जो ऑर्डर ऑफ जी बाई एन होगा
एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो बात नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन होता है, ये होता है। इफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप तो जी बाई एन ए कोसेंट ग्रुप, और कोसेंट ग्रुप का जो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं वो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि जी बाई एन क्या है, जी बाई एन में जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं और डिस्टिंक्ट राइट कोसेट को ही हम लोग इंडेक्स कहते हैं, और यहाँ उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर बाई एन से भी निकालते हैं। तो मीनिंग मारी हो गई, किसी भी क्वेश्चन ग्रुप का जो ऑर्डर है बाई दिस फार्मूला, इस फार्मूले से निकाला जाता है। बहरहाल हम अपने हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं। वी नो दैट जेड जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो दिस इम्प्लाइज जो जी होगा ये ऑलरेडी इसके पहले हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया है इज व्हाट, ये मेरा जो होगा कोसेंट ग्रुप होगा, दिस इज ए कोसेंट ग्रुप। अगर ये कोसेंट ग्रुप हुआ तो इस कोसेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कोसेंट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ जी बाय दिस रिजल्ट अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी दिस। अच्छा अब ऑर्डर ऑफ जी क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी इज व्हाट, दिस इज द पी इन टू क्यू, तो दिस इज द पी क्यू अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। चलते हैं लैग्रेंजेस साहब पे आ जाते हैं, हमने कहा भी था कि लैग्रेंजेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर चीज़ को प्रूफ करने में, जब भी कहीं सब ग्रुप की बात आएगी और रिफाइनाइट अगर सब ग्रुप आता है तो लैग्रेंजेस साहब ऑटोमेटिकली वहाँ आके खड़े हो जाएंगे, मतलब उनका एप्लीकेशन से आपको करना पड़ेगा। अब जेड जी जो है सब ग्रुप है, नॉर्मल है तो है, सब ग्रुप तो है, तो अगर किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप है और ग्रुप फाइनाइट है तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये सिंपल सीधा सा पार्ट सी मीनिंग है। लैग्रेंजेस साहब ने कहा था कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके वही सब ग्रुप बनेंगे जिनके ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, तो सेंटर ऑफ जी जो है मेरा सब ग्रुप है, तो मीनिंग क्या होगा कि ये इसका जो ऑर्डर होगा पी इंटू क्यू को डिवाइड करेगा। अच्छा पी भी प्राइम है और क्यू भी प्राइम है और दोनों मेरे डिस्टिंक्ट प्राइम हैं और ये जो ऑर्डर है इसको डिवाइड करेगा, तो अगर यहाँ से बात अगर हम देखें तो भाई अगर मैं यहाँ लिखूँ लैग्रेंजेस, ये जो लैग्रेंजेस हमारा जो थ्योरम है, लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहेगा भाई, लैग्रेंजेस थ्योरम ये कहेगा कि जो ऑर्डर ऑफ जेड जी होगा वो डिवाइड्स करेगा, किसको डिवाइड्स करेगा, पी क्यू को। अच्छा तो मीनिंग क्या हो गई, तो दिस इम्प्लाई जो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी की पॉसिबिलिटी होगी वो क्या क्या हो सकती है, पहला तो वन होगा, ये तो यूनिवर्सल है कि वन सबको डिवाइड करता है, यस। दूसरा क्या होगा डिवाइड करने वाला, P एंड Q डिस्टिंक्ट प्राइम है तो P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, और थर्ड एक PQ भी होगा, दिस यानी 1, 2, 3 एंड 4 फोर पॉसिबिलिटी होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ जेड जी की जो बात होगी वो फोर हो सकती है, या तो वो वन हो सकता है, अगर वन नहीं होगा तो पी होगा या तो क्यू होगा। अच्छा ऑर्डर जो होता है यूनिक होता है, अब ऐसी भी बात नहीं है कि ऑर्डर जो है एक से ज़्यादा होंगे, तो मीनिंग इन चारों में से कोई एक होगा। अब बारी बारी से हम पॉसिबिलिटी देखेंगे इनमें से क्या क्या हो सकता है, तो इनमें से अब क्या क्या हो सकता है, क्या ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी पी क्यू हो सकता है क्या, लास्ट लेके शुरू करते हैं देखते हैं क्या ये ऑर्डर हो सकता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या, मतलब ऑर्डर ऑफ जो सेंटर ऑफ जी होगा वो पी क्यू हो सकता है क्या। एक मैथमेटिक इजी टेक्निक अब ग्रुप की दुनिया में कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ जी होता है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। ऑर्डर इसका सेम है, इसकी मीनिंग मेरी क्या हो गई कि इसमें वही एलिमेंट है जो इसमें एलिमेंट है, तो मीनिंग ये होगा कि जेड ऑफ जी जो होगा वो जी के इक्वल हो जाएगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या हो गया भाई, इसका ऑर्डर सेम होने का मतलब कि इसमें वही एलिमेंट है जो यही जो इसके एलिमेंट है, और सेंटर ऑफ जी के एलिमेंट निकल के आते कहाँ से, जी से ही आते हैं। अब दोनों का ऑर्डर सेम हो गया तो इससे बात सीधा सपाट कहा जा सकता है कि जेड जी इज इक्वल टू जी होगा। अच्छा अब जेड जी इज इक्वल टू जी कब होता है, दिस इफ एंड ओनली की कंडीशन है कि जी इज अवेलियन होना चाहिए, बट आपका जो रिजल्ट जो थ्योरम में है पहले ही कह दिया गया कि नॉन अवेलियन, कि इफ जी बी ए नॉन अवेलियन, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये अगर हमें पॉसिबिलिटी मान लें तो इसकी मीनिंग ये हो गई दिस इंप्लाइज जो सेंटर ऑफ जी है वो जी है,
अच्छा सेंटर ऑफ जी जी कब होता है? ओनली व्हेन। ये पॉसिबल कब होगा? व्हेन व्हाट जी इज अवेलियन, बट गिवन क्या है? बट व्हाट इज गिवन? अवेलियन। कि जी जो है मेरा नॉन अवेलियन है, ये गिवन है कि वो अवेलियन नहीं है, तो अवेलियन नहीं है तो इसकी मीनिंग पॉसिबिलिटी फिनिश हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी मेरी होगी ही नहीं। तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी जो है पी क्यू नहीं हो सकता है। चलते हैं देखते हैं क्या क्यू हो सकता है क्या, अगर पॉसिबल है तो इसकी पॉसिबिलिटी की बात कर लें, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जो जी है वो क्यू हो सकता है क्या? चलते हैं अगेन अब लैग्रेंजेस साहब पे आ जाते हैं। लैग्रेंजेस साहब ये कहते हैं कि जितने भी ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर के हैं उनका सब ग्रुप डिवाइड कर देगा। मीनिंग मेरी ये हो जाएगी कि ये जो अभी हमने लिखा ऑर्डर ऑफ जी जेड जी, ये जो मेरा कोसेंट ग्रुप होगा इसका ऑर्डर ये हो गया ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी, ये दिस ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू है। हमने पॉसिबिलिटी की बात की थी कि इस पॉसिबिलिटी की कि मैंने इसको क्यू लिया था, तो अगर ये क्यू है तो दिस इज द क्यू, ये कैंसिल हो गया, दिस इज द पी एंड पी इज व्हाट प्राइम। और एक बात हम जानते हैं कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, इफ एनी ग्रुप हैविंग प्राइम ऑर्डर देन दिस इज ए साइक्लिक। वी नो दैट एवरी ग्रुप हैविंग प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये जो होगा ये जो कोसेंट जो ग्रुप बना इज साइक्लिक। और इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बातें काफ़ी डिटेल्स में प्रूव की थी, बड़ा इस पे मतलब डिटेल्स में वो बातें आई थी कि अगर जी वाई जेड जी साइक्लिक हो और ये सेंटर हो तो जी व्हाट जी मस्ट बी अवेलियन, जी को अवेलियन होना पड़ेगा। ये बातें थी, एक रिजल्ट था, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, बात की गई थी कि अगर जी जेड जी साइक्लिक होता है, ये कोसेंट ग्रुप अगर ये साइक्लिक हो गया जहाँ ये सेंटर है तो जी को अवेलियन होना पड़ेगा। बट यहाँ दिया है कि जी इज नॉन अवेलियन, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि ये जो पॉसिबिलिटी सेंटर ऑफ जी का जो पॉसिबिलिटी है ऑर्डर क्यू होगा, ये पॉसिबिलिटी भी फिनिश हो गई, ये भी नहीं हो सकता है। तो सिमिलरली मैं पी को भी दिखा सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ जो सेंटर ऑफ जी है ये पी भी नहीं हो सकता है। तो ऑर्डर उसका पी भी नहीं हुआ, क्यू भी नहीं हुआ, पी क्यू भी नहीं हुआ, और जेड जी हमेशा एक सब ग्रुप होता है, तो फिर ऑर्डर होगा क्या? व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी? फिर बचा क्या भाई? तो बचा तो सिंपली यही रह गया कि ऑर्डर ऑफ जो सेंटर ऑफ जी होगा वन होगा, हेंस दिस इज द प्रूफ हियर। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस दिस लेक्चर इज क्लियर हियर, कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। तो ये मेरे थोड़े एप्लीकेशन थे कि हम लोग जो कोसेंट ग्रुप है, कोसेंट ग्रुप का एप्लीकेशंस करके बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करते हैं, बहुत सारे रिजल्ट भी निकालते हैं। तो इस रिजल्ट को थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोग ग्रुप थ्योरी की जो हर्ट है उस पे आते हैं, एक होमोमार्फिज्म पे आते हैं, देखते हैं कि पहले होमोमार्फिज्म है क्या, व्हाट इज़ द होमोमार्फिज्म। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ग्रुप थ्योरी की दुनिया में, और इसका इम्पॉर्टेंस मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे लेक्चर आगे चलेगा लिसनर को सारी बातें खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या इसका इम्पॉर्टेंस है। हम कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है, तो हो सकता है डाउट हो किसी को, बट जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे हाथ कंगन को आरसी का खुद ही सारी बातें क्लियर होती जाएंगी कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द होमोमार्फिज्म इन द वर्ल्ड ऑफ द ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की दुनिया में होमोमार्फिज्म का कितना बड़ा इम्पॉर्टेंस है, वो बातें आगे आ जाएंगी। तो चलते हैं होमोमार्फिज्म शुरू करते हैं कि होमोमार्फिज्म क्या है, होमोमार्फिज्म का कंसेप्ट क्या है। होमोमार्फिज्म यस, नाउ स्टार्ट हियर। होमोमार्फिज्म क्या है, डिफिनीशन इसकी, कंसेप्ट क्या है इसका। होमोमार्फिज्म एक्चुअल में एक मैपिंग है, और मैपिंग हमेशा दो सेट के बीच डिफाइंड की जाती है। तो यहाँ भी हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप जी है और एक ग्रुप मेरा जी डैश है। अच्छा, यहाँ मेरा बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, पहले मैंने बात की थी जब वीडियो लेक्चर से स्टार्ट किया था ग्रुप थ्योरी की,
तो जनरली ऑपरेशन से डिफरेंट लिखे जाते हैं। अब हमने कहा था जब लोग होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो जो ऑपरेशन की जो भिन्नता है उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। अब यहाँ दो ग्रुप हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है दोनों ग्रुप एक ही ऑपरेशन के थ्रू हों, ऑपरेशन डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो इन जनरल एक कोई ग्रुप है जहाँ ऑपरेशन स्टार है और यहाँ ऑपरेशन हमारा ओ है सिंबल, वो हमने लिखा है कि मतलब जी डैश में जो ऑपरेशन डिफाइंड है उसको हमने वो लिखा हुआ है। देर आर टू ग्रुप्स, एक ग्रुप मेरा ये है और दूसरा ग्रुप मेरा जी डैश है। अच्छा ये उससे दोनों ऑपरेशन सेम भी हो सकते हैं, ऑपरेशन सेम नहीं भी हो सकते हैं। अगर इनके बीच एक मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट कर जाए, क्या बोल रहे हैं लिसनर थोड़ा क्लियर हो जाए, यहाँ हमारे पास कोई दो ग्रुप है। अब जब ग्रुप की हम बात करते हैं तो ऑपरेशन ऑटोमेटिक वहाँ स्टैंड हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तब ऑपरेशन क्या होगा दोनों ग्रुपों में? अब बात आ गई कि दोनों ग्रुपों में ऑपरेशन सेम भी हो सकता है, ऑपरेशन सेम नहीं भी हो सकता है। तो एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस की बात होगी मेरी यहाँ। इन जनरल अब हम लोग क्या लेंगे कि दोनों ग्रुपों में जो ऑपरेशन है मेरे वो डिफरेंट हैं। अब इनके बीच अगर कोई एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए, यानी मैं एक ऐसी कोई मैपिंग बना लूँ, एक ऐसी मैपिंग क्रिएट कर लूँ इन ग्रुपों के बीच में, जी सच दैट टू जी डैश, यानी एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम ग्रुप जी इन टू ग्रुप जी डैश सच दैट एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन एफ ऑफ वाई। दिस ऐसी अगर बात हो जाए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, इन ग्रुपों के बीच में एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए एफ कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। कैसी कंडीशंस हैं? एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन वाई, दो एलिमेंट जी का हमने पिकअप कर लिया और इसमें ऑपरेशन लगा दिया जो ऑपरेशन है, इज इक्वल टू क्या हो जाए एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ जो ऑपरेशन है एफ ऑफ वाई, अगर ऐसे ही मैपिंग एफ इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर जाए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तब हम कहते हैं एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी इंटू जी डैश, तब ये बात कही जाती है। अच्छा इसको बहुत आथर्स ये मैपिंग प्रिजर्विंग भी बोलते हैं, इस कंडीशंस को मैपिंग जो है वो प्रिजर्विंग भी बोली जाती है कि दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग प्रिजर्विंग। ये जो बात लिखी गई इसको मैपिंग प्रिजर्विंग भी सब आथर्स लिखते हैं, मैपिंग प्रिजर्विंग भी कहा जाता है। तो वहाँ भी अगर बात मैपिंग प्रिजर्विंग की आती है तो मतलब यही है। हम तो यहाँ ये कहेंगे कि दो ग्रुपों के बीच में कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म तब होगी जब ये कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई करेगी। तो थोड़ा मैं डिफिनीशंस यहाँ लिख दूँ, क्योंकि डिफिनीशंस लिखना मैं थोड़ा यहाँ जरूरी समझता हूँ कि क्योंकि सारी चीज़ें तो डिफिनीशन से ही खड़ी होनी है। लेट जी ऑपरेशन स्टार एंड जी डैश ऑपरेशन ओ बी टू ग्रुप्स, ये कोई दो ग्रुप्स है। इफ़, अब इफ की बात आ रही है, इफ देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग, कौन मैपिंग है एफ सच दैट जी इंटू जी डैश सच दैट, कैसा हो ये बात हो एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन यहाँ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन एफ इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी इंटू जी डैश। ये बात है मेरी, मतलब कुल कहने का हमारा मतलब ये है कि अगर हमको कोई दो ग्रुप दिया हुआ है और उन ग्रुपों के बीच में अगर मैं कोई एक ऐसी मैपिंग निकाल लूँ, एक ऐसी मैपिंग डिफाइन कर दूँ जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तब ये कहा जाता है उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है। यानी ग्रुप की दुनिया में एक हम नाम देते हैं कि दिस इज़ द होमोमॉर्फिज्म। अच्छा अब ये होमोमॉर्फिज्म्स ग्रुप थ्योरी की दुनिया में कैसे कैसे गेम खेलेंगे, क्या क्या ये रिजल्ट लेके बाहर आएंगे, उस चीज़ को जैसे जैसे मेरा वीडियो लेक्चर से आगे बढ़ेगा वो बातें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। बहरहाल अभी तो हम लोग पूरा फोकस ये किए हुए हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या है, दो ग्रुपों के बीच में कब कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, वो ये बात मेरी है।
अब हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल यहाँ देते हैं कि ग्रुपों के बीच में जो होमोमॉर्फिज्म है, तो थोड़ा लिसनर्स को और बात जो है धरातल पे आके क्लियर हो जाएगी कि ये जो बातें हो रही थी, ये होमोमॉर्फिज्म्स कैसे निकाला जाएगा, कैसी बातें की जाएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और ये थोड़ा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे जो मेरी सीरीज चलेगी थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि मैं इसके बाद डिटेल्स पे यहाँ वर्क करने जा रहा हूँ। तो यहाँ एक अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, लेट जेड प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स एंड टू जेड प्लस का मतलब है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, और सबको पता है ये ग्रुप्स होते हैं टू ग्रुप्स। अब मैं इनके बीच डिफाइन एफ सच दैट जेड टू टू जेड, इनके बीच एक मैपिंग डिफाइंड करने जा रहे हैं एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। अब यहाँ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट, ये सेट जेड है और ये मेरा सेट जो है टू जेड है। अब इस जेड में एलिमेंट कैसे होंगे, सेंटर पे मैं जीरो ला दूँ, जीरो, उसके बाद नीचे वन टू थ्री फोर एंड आर्ट्स वन चलेगा ऐसे, यहाँ -1 -2 -3 एंड आर्ट्स वन। अच्छा सेट ऑफ यहाँ इवन इंटीजर है, जीरो आएगा, टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा एंड आर्ट्स वन, यहाँ -2 आएगा, -4 -6 एंड आर्ट्स वन, ये हो गया। अब इन दो ग्रुपों के बीच में, अच्छा एक बात है कि ऑपरेशन सेम है, यहाँ भी एडिशन है, यहाँ भी एडिशन है, ये मैपिंग ऐसी डिफाइंड की गई है। अब हम इसको दिखाएंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर मुझे ये प्रूफ करना हो कि ये होमोमॉर्फिज्म है तो क्या प्रूफ करना होगा, प्रूफ बस सिंपल ये करना होगा कि एफ ऑफ इनमें से कोई दो एलिमेंट ले लें एक्स वाई। अच्छा एक बात मैं और यहाँ कर दूँ लिसनर को कि मैं वो ऑपरेशंस नहीं लिखूंगा, वो ऑपरेशंस को मैं गोल कर दूंगा, जनरली जो लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स इंटू आई, बट जो इंटू बोलने की वो आदत है, बट जो ऑपरेशंस गिवन होगा वो डिफाइंड होगा, या लिखेंगे अब हमेशा वैसे ही एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब यहाँ हमारा जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, तब यहाँ कैसे वो गेम हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इनके बीच प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ ऑपरेशन के अभी प्लस है तो प्लस एफ ऑफ वाई। दिस अगर ये बात हो जाए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, तब हम कहेंगे कि इनके बीच जो ये मैपिंग डिफाइंड की गई है दिस इज होमोमॉर्फिज्म। तो चलते हैं देखते हैं होगा या नहीं, तो पहले तो डिफाइंड लेट कर लें, लेट एक्स वाई बी एनी ट्रू आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर, तो एफ ऑफ एक्स क्या है जो डिफाइंड है, दिस इज द टू एक्स, यस, तो एफ ऑफ वाई क्या लिखेंगे, बिल्कुल बात तो क्लियर है, दिस इज द टू वाई। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अब मुझे ये निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, व्हाट क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई पुट कर दें, बस ये निकालने का तो ही तरीका होता है। अगर कोई फंक्शंस डिफाइंड है तो उसमें किसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो जो डिफाइंड है वहाँ, यहाँ जो भी कुछ लिखा गया है, जो वेरिएबल यहाँ लिखा उसकी जगह पूरा है सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मीनिंग क्या होगा, इस एक्स की जगह हम एक्स प्लस वाई लिख दें तो क्या मीनिंग आएगी, टू एंड दिस इज द एक्स प्लस वाई, व्हाट क्या हुआ ये टू एक्स प्लस टू वाई। अब अगर यहाँ देखें टू एक्स इज वाट, टू एक्स इज द एफ ऑफ एक्स, तो दिस इज द योर एफ ऑफ एक्स, टू वाई इज वाट, दिस इज द योर एफ ऑफ वाई, यानी क्या हो गया ये, क्या हम लोग मिला एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। मीनिंग क्या हो गई, यहाँ लिखा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, मीनिंग ये हो गई कि जो मैपिंग एफ ये डिफाइंड की गई है, दिस मैपिंग एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म है, यस दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ क्वेश्चन ये होगा कि ये जो मेरी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो मैपिंग के सेंस में स्कूल स्तर से स्टूडेंट से पढ़ते चले आते हैं कि वन वन होगा या एन टू नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा। तो अब हम लोग थोड़ा अगर वन वन एन टू की यहाँ बात कर लें, इसी एग्जाम्पल थोड़ा बात कर लें, तो देखते हैं एक नई चीज़ भी हम लोगों की आ जाएगी इसी में। तो बहरहाल ये तो प्रूफ हो गया कि दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए।
अब हम बात थोड़ा आगे अपनी आ जाए कि ये 1-1 और N2 की बात है या नहीं। 1-1 का मतलब क्या होता है, 1-1 कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। 1-1 जो प्रूफ करने का हमारा सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि लेट कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, उसके बाद दिखाते हैं कि x इज इक्वल टू y होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो मैपिंग 1-1 हो गई। तो अगर यहाँ हम लोग देखें इस मैपिंग को ध्यान से, तो f ऑफ x लेट कर लें कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। अच्छा, अभी f ऑफ x क्या है, दिस इज द डिफाइन ईयर, दिस इज द 2x। f ऑफ y क्या है, दिस इज द 2y। अच्छा, 2x इज इक्वल टू अगर 2y है तो हर हालत में x इज इक्वल टू y होगा, सिंपल सी बात है ये। अच्छा, ग्रुप में अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो जो भी ऑपरेशंस की बातें होंगी, मतलब वो डिवीजन होगा, कैंसिलेशन होगा, क्या होगा, तो जो ग्रुप की थ्योरी है कैंसिलेशन ला कैसे होल्ड करता है, वही बात मेरी यहाँ आएगी। तो ये तो ऑर्डिनरी बात है, दिस इज द 2x इज इक्वल टू 2y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। अच्छा, ये बात क्या हो गई कि हेंस दिस इज द N1। अच्छा, ऐसे भी देख लें कि जीरो की मैपिंग किस पे होगी, यहाँ अगर जीरो लिखते हैं तो जीरो आएगा, ये हो जाएगा। वन अगर लिखें तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 2 पे आएगा। अच्छा, अगर मैं -1 लिखूँ तो -2 पे चला जाएगा, 2 लिखूँ तो 4 पे चला जाएगा। मीनिंग अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ तो यहाँ 4 आएगा। क्या मतलब क्लियर हो रहा है कि ये जो मेरी मैपिंग है, दिस मैपिंग इज 1-1, ये मैपिंग मेरी 1-1 है। अब एक बात और इसमें आती है, क्या ये मैपिंग N2 है या नहीं। हम N2 कैसे चेक करेंगे कि दिस मैपिंग इज N2 है या नहीं। अब N2 के लिए क्या देखते हैं, N2 के लिए सीधा सा कंसेप्ट ये है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हों सबका प्री इमेज मिलना चाहिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर N2 हियर, तो मिलना चाहिए। तो कैसे उसको देखेंगे, उसके लिए देखने का सबसे ईजी रूल ये है कि हमारा जो मैपिंग डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है। अब इसे f ऑफ x को हम लोग y कंसीडर कर लें, लेट दिस इज द y, तो दिस इज द 2x, तो दिस इंप्लाइज, अब यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए, व्हाट इज द x, y बाई 2। अब ये देखते हैं कि क्या y बाई 2 मेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बात क्लियर है, अगर इस इवन इंटीजर्स को, ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो डेफिनेटली ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर -2 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो -1 मिलेगा। मीनिंग हमारी क्या हो गई कि 2z में जितने सारे एलिमेंट हैं अंडर दिस मैपिंग, इसकी प्री इमेज यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है, या थोड़ा हम बड़ा उसको एक ईजी वे में बात कहते हैं कि 2z में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका रिलेशन z से ना हो, सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका रिलेशन है। तो क्लियरली f इज N2, या मीनिंग क्या हो गई कि f1 भी है और f N2 भी है और f मैपिंग प्रिजर्विंग भी है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैपिंग हमारी जो डिफाइंड है वो 1-1 नहीं भी हो सकती है, N2 भी नहीं हो सकती है। ऐसे भी बहुत सारी हमारी मैपिंग बनेगी, होमोमॉर्फिज्म तो होगी बट 1-1 नहीं है, N2 नहीं है। ऐसी भी मैप, ऐसे भी होमोमॉर्फिज्म होंगे, 1-1 है बट N2 नहीं है, N2 है बट 1-1 नहीं है। ऐसी मैपिंग होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी जो ना तो 1-1 है ना तो N2 है। तो सारे केसेस की एक एक बात हम अपनी करेंगे, क्योंकि ये काउंटर एग्जाम्पल की तरह वर्क करेंगे। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में हम 1-1 N2 पर भी वर्क करेंगे काफ़ी, क्योंकि 1-1 N2 जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगेंगे उतने ज़्यादा हमारे यहाँ काउंटर क्वेश्चंस एग्जाम्पल खड़े होंगे, और जितने ज़्यादा काउंटर एग्जाम्पल खड़े होंगे उतनी चीज़ें स्ट्रांग होंगी, कंसेप्ट उतना थोड़ा स्ट्रांग होगा। अब जैसे एक हम यहाँ ग्रुप ले लें, ग्रुप ये ले लें, एक जी ग्रुप ले लें, यही ग्रुप ले लें जो बड़ा जाना पहचाना नाम है, जेड ही ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स। और एक ग्रुप हम यहाँ थोड़ा z ले लें, दिस ग्रुप 1-1 इज ए ग्रुप, सबको पता है ये ग्रुप होता है। अच्छा, ये ग्रुप अंडर किसके है, अंडर व्हाट, दिस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इनके बीच हम एक अगर मैपिंग अगर डिफाइन करें, ऐसे मैपिंग डिफाइन करें f such that z to z' as f of x is equal to 1 if x is even, और यहाँ मैं -1 लिखूँ if x is odd। तो पहली बात हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है,
बट दिस मैपिंग इज होम आर्फिजम आर नॉट, तब तो बात आएगी कि वन वन आन टू होगा या नहीं। तो पहले भी हम इस पे वर्क सिर्फ होम आर्फिजम पे करेंगे, पहले ये चेक करते हैं कि होम आर्फिजम है या नहीं। तो होम आर्फिजम्स के लिए क्या होगा कि इसका हम कोई दो एट रैंडम एलिमेंट पिकअप कर लें कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज द एफ ऑफ एक्स? अच्छा अब ये एक्स पे डिपेंड करेगा कि एक्स इवन है ऑड है, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड लेट कर लें, एक्स एंड वाई आर इवन, ये मेरे इवन है। तो अगर एक्स एंड वाई इवन है तो एफ ऑफ एक्स वन होगा, एफ ऑफ वाई भी वन होगा। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आते हैं, देखते हैं। अच्छा अब यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ जो ऑपरेशन है वो प्लस है, बट यहाँ जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन मेरा मल्टीप्लीकेशन का है। तो अब यहाँ ऑपरेशन से डिफरेंट आ गया, मतलब अब ये मेरी बात यहाँ आ गई एफ ऑफ एक्स, यहाँ स्टार ऑपरेशन, यहाँ एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन एफ ऑफ वाई। तो चलते हैं देखते हैं व्हाट इज द एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसकी अकॉर्डिंग आएगी मैपिंग, मैपिंग कैसे डिफाइंड की गई है, मीनिंग क्या है कि इस एक्स पे डिपेंड करता है। अगर एक्स इवन है तो वैल्यू वन आ जाएगी, अगर ये एक्स ऑड है तो माइनस वन आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि एक्स प्लस वाई क्या होगा। अगर एक्स एंड वाई इवन है तो एक्स प्लस वाई इज व्हाट इवन, सबको पता है सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। तो अगर ये इवन इंटीजर हुआ, एक्स इवन है वाई इवन है तो एक्स प्लस वाई इवन होगा, तो एक्स प्लस वाई इवन होगा मीनिंग क्या आएगी, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, दिस इज द वन। अच्छा अभी इस वन को मैं लिख सकता हूँ वन इंटू वन। अच्छा वन क्या है, दिस इज द एफ ऑफ एक्स वन है, वन एफ ऑफ वाई भी है, तो दिस इज द एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये बात हो गई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। और इसी को हम लोग तो मैपिंग प्रिजर्विंग बोल रहे थे। मीनिंग क्या हो गई कि अगर ये इवन इंटीजर है तो मैपिंग प्रिजर्विंग है। तो आड के लिए देख लें, आड की बात क्या होगी कि लेट कर लें एक्स एंड वाई आर आड, ये अगर आड है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा माइनस वन होगा, एफ ऑफ वाई क्या होगा ये माइनस वाई होगा। तो नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई देखते हैं। अच्छा एक्स आठ है वाई आठ, हम जानते हैं सम ऑफ टू आठ इंटीजर इज इवन इंटीजर, मीनिंग ये इवन इंटीजर हो जाएगी, और जब ये इवन इंटीजर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, दिस इज द वन। अच्छा अब इस वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिस। अच्छा माइनस वन इज व्हाट, दिस इज द एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज द एफ ऑफ वाई, दिस इज अगेन मैपिंग प्रिजर्विंग कंडीशन होल्ड कर रही। मतलब अगर आर इवन इंटीजर है तब भी वो मैपिंग जो डिफाइंड है वो प्रिजर्व करता है, मतलब जो होमोमॉर्फिजम्स की जो कंडीशंस है वो आड इंटीजर्स के लिए भी सेटिस्फाई है। अब हम देखते हैं लास्ट कंडीशंस क्या बचा, एक आड और इवन के लिए देख लेते हैं। लेट एक्स इज इवन एंड वाई इज आड, ये बात हम देख लेते हैं। तो अगर एक्स इवन है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, दिस इज द वन। अगर वाई आड है तो एफ ऑफ वाई जो होगा माइनस वन होगा। अब मैपिंग प्रिजर्विंग की बात थोड़ा यहाँ कर लें कि मैपिंग प्रिजर्विंग कैसे होगी। हमने तो ये प्रूव कर लिया अगर एक्स वाई इवन है तो मैपिंग प्रिजर्विंग है, एक्स इवन है वाई है सॉरी एक्स आड है वाई आड है तब भी मैपिंग प्रिजर्विंग है। अब इवन आड मैंने ले लिया तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई देखते हैं क्या होता है। एक्स इवन है वाई आड है तो सम ऑफ इवन एंड आड गिव्स व्हाट आड इंटीजर्स, तो अगर आड इंटीजर है दिस इज द माइनस वन। अच्छा इस अब माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ वन इंटू माइनस वन, वन दिस इज द एफ ऑफ एक्स वाई क्योंकि एक्स इज इवन इंटीजर एंड दिस इज द एफ ऑफ वाई, वाई इज आड, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इसकी मीनिंग क्या हो गई, अगेन मैपिंग प्रिजर्विंग है। तो जब एक्स एंड वाई इवन है तब भी मैपिंग प्रिजर्विंग है, जब एक्स आड है वाई आड है तब भी मैपिंग प्रिजर्विंग है, और जब दोनों में से एक इवन है और एक आड है तब भी ये मैपिंग प्रिजर्विंग है। तो मैं बात अब ये कह सकता हूँ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यस। तो दिस इज द मैपिंग प्रिजर्विंग, और ये बातें प्रूफ हो गई कि ये जो मैपिंग डिफाइंड हुई है इनके बीच में, ये जो मैपिंग है दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। अच्छा अब लिसनर थोड़ा अपना ध्यान लगाएंगे कि आई वन वन आन टू हो सकता है या नहीं, बड़ा इजी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी सारे भी क्वेश्चंस की बात होमोमॉर्फिज्म्स पे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।